हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति। फ्रेंड्स, अगर आप मार्च में नर्सरी में शॉपिंग करने जा रहे हैं तो इन 10 पौधों को आप इस टाइम बिल्कुल ना खरीदें। फ्रेंड्स, जैसे ये पिटूनिया का प्लांट है, इस टाइम ये बिल्कुल भी खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा पड़नी शुरू होती है तो ये प्लांट अपने आप ही मरना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे गर्मी तेज़ पड़ती है तो ये प्लांट अपने आप कैसे सूखता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्लांट अपने आप ही सूख गया है। तो इन प्लांट को आप इस टाइम बिल्कुल ख़रीदने की गलती ना करें। सेकंड नंबर पर फ्रेंड्स, ये है वर्वीना का प्लांट। फ्रेंड्स, ये भी एक ऐसा प्लांट है जो सर्दियों में ही इसमें फूल खिलते हैं। जैसे ही थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है, मार्च अप्रैल का महीना शुरू होता है, तो ये प्लांट अपने आप ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। और थर्ड नंबर पर फ्रेंड्स, ये है कल का प्लांट। फ्रेंड्स, देखिए अभी इसकी हालत ठीक है, क्योंकि ये प्लांट थोड़ा सा मैंने छाए में रखा हुआ है। अगर तेज़ धूप पड़ती है तो ये प्लांट भी मरना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इस प्लांट को भी आप मार्च अप्रैल में ख़रीदने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे सीजन आउट होता है तो इन प्लांट का क्या हाल होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, नर्सरी वाले तो बोलते हैं या जहाँ से भी आप प्लांट लेते हैं कि ये प्लांट अभी चलेगा, पर ये प्लांट बिल्कुल भी नहीं चलता है। थोड़ी सी गर्मी तेज़ होते ही ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है, तो इनको मत खरीदिए। और फ्रेंड्स, पांचवे नंबर पर ये है पेंजी का प्लांट। पेंजी बटरफ्लाई भी इसको बोल सकते हैं। ये भी फ्रेंड्स ऐसा प्लांट है जिसको आप इस टाइम नर्सरी से ख़रीदेंगे तो आपके पैसे ख़राब होंगे। तो इसको भी बिल्कुल मत खरीदने की गलती करें। ये आप देख ही रहे हो कि इसके फूलों में भी कलर में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। अगर आप इसको शेडी एड़ियों में रख दोगे तो फ्रेंड्स ये प्लांट कुछ दिनों तक रुके रहेंगे, वरना बिल्कुल ही ये ख़त्म हो जाते हैं इन दिनों में। और फ्रेंड्स, ये है येलो जरबेरा का प्लांट। ये भी फ्रेंड्स प्लांट, अब सर्दियां ख़त्म होने वाली हैं, अब ये बिल्कुल ही ख़त्म होने वाले प्लांट हैं, जिनको आप इस टाइम ख़रीदने की बिल्कुल भी गलती ना करें और अपने पैसे बचाएं। और फ्रेंड्स, ये है डेंथस का प्लांट। फ्रेंड्स, ये भी एक ऐसा प्लांट है, अब इसको आप संभाल के रख लेंगे तो ये प्लांट आपके पास रुका रहेगा। इसमें सीड्स भी बनते हैं, पर ये आगे जैसे जैसे मौसम बढ़ता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, इसमें भी फ्लावरिंग बहुत कम होती शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इस प्लांट को भी आप सर्दियों में बिल्कुल मत खरीदें, और मार्च अप्रैल के महीने में तो नर्सरी से ये प्लांट खरीदने की गलती बिल्कुल ना करें। फ्रेंड्स, ये है गुलदाउदी का प्लांट। फ्रेंड्स, इसमें जब सीज़न था तो ढेरों ढेर फूल खिले थे, अब इसके अंदर फूल नहीं खिलेंगे। तो आप जितनी हो सके इसकी कटिंग अपने पास संभाल के रख लीजिए। नहीं तो फ्रेंड्स, आप एक काम और करिए, जिस गमले में ये प्लांट लगा हुआ है उस गमले में इसको लगा रहने दीजिए। जब सीज़न आएगा तो ये प्लांट अपने आप ही नए पत्ते निकालने लग जाता है और अपनी ग्रोथ पे पूरी और अच्छी तरीके से आ जाता है। फ्रेंड्स, मैंने ये जो प्लांट की कटिंग है, कुछ मैंने जो बेलें वाले मेरे पौधे हैं उनके अंदर इनको लगा दिया है। तो मुझे अब इस प्लांट को लेके अगले सीज़न के लिए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जैसे ही सीज़न आएगा ये प्लांट अपने आप ही दोबारा से निकल आएगा। और फ्रेंड्स, ये है क्लेंचो का प्लांट। इस प्लांट को भी आप इस टाइम बिल्कुल ना खरीदें। ये गर्मियों में हरा भरा तो बहुत रहता है, पर इसके अंदर बिल्कुल भी फूल नहीं आते हैं। आप इस प्लांट को, अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो उससे आप कहीं एक प्लांट बना लीजिए, पर इस टाइम इसको बिल्कुल मत खरीदिए। और फ्रेंड्स, गर्मियों में इसके रखरखाव की भी काफ़ी टेंशन रहती है कि ये प्लांट कहीं मर ना जाए, तो इसलिए ये प्लांट भी आप बिल्कुल ना।
फ्रेंड्स, ये है जाफरी का प्लांट। ये गेंदे की तरह ही जाफरी के फूल भी होते हैं, जो आपके गार्डन में इस टाइम बिल्कुल भी नहीं खिलेंगे गेंदे के, तो आप इस टाइम अगर सीड से भी लगाएंगे तो वो लगे रहेंगे। इसलिए इन आप पौधों की मार्च में बिल्कुल भी शॉपिंग ना करें और ना इनको ख़रीदें, आपके सारे पैसे होंगे बर्बाद। आपको ये मेरी वीडियो जो है, मार्च में नर्सरी जाएं, कौन से पौधे ना ख़रीदें और पैसे बर्बाद ना करें, कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।